भारत के युवाओं के रोजगार पे हमला है, इसको जन अधिकार पार्टी बर्दाश्त नहीं करेगी। जितनी ताकत है सरकार के गुंडे आतंकी ताकत जितना करना हो, उग्रवादी की तरह व्यवहार छात्रों का कर ले, ना हम झुकने वाले, ना हम रुकने वाले और ना हम थकने वाले। हम मर चुके हैं मरने के लिए। जब तक अग्निपथ अग्निवीर को भारत सरकार वापस नहीं लेती है, तब तक जन अधिकार पार्टी क्रमबद्ध आंदोलन करती रहेगी। हम सरकार से मांग करते हैं, जिन बच्चों पर केस की गई है और उनके माता पिता को आप पकड़ रहे हैं, उन्हें जेल से रिहा किया जाए। बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ ना हो, हमें तो लगता है कि जो पूर्व भारत के जो जिनकी मौत हो गई प्लेन क्रैश में, बिपिन रावत, उन्होंने मांग किया था सेना की उम्र को बढ़ाने के लिए। हम जानना चाहेंगे अमित शाह जी से, क्या बाना सिंह जो परमवीर चक्र के सबसे बड़े सिपाही थे, उन्होंने कहा अग्निवीर गलत? 18 साल का परमवीर चक्र का यदुवीर यादव ने कहा ये गलत? आप कह रहे सही, जिसकी लाठी उसकी भैंस। ताकत के बदौलत विचारों को मत दबाइए। लड़ाई हम सब की जारी होगी, रहेगी। मुख्यमंत्री जी, माफिया और अपराधियों से बिहार को बचाइए। इन पदाधिकारियों के निरंकुश आचरण से छात्रों को डराइए मत, आवाज बुलंद करने दीजिए। जो असुरक्षा की भावना दलितों, अल्पसंख्यकों, अत्यंत पिछड़ों में थी, वह भावना आज तक बनी रह गई। इसीलिए हम लोगों ने निर्णय लिया है कि आज पूरा यूनिवर्सिटी बंद है, मानव श्रृंखला के तहत गवर्नर हाउस घेरेंगे, हम लोग तब तक कदम बढ़ाते रहेंगे जब तक इस योजना को, इस कानून को वापस नहीं लिया जाए। लेटेस्ट खबरों के लिए देखते रहिए एम न्यूज जेड न्यूज, और ताज़ा अपडेट पाने के लिए चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें।